बरोटी वाला के छातीपुरा गांव के राहुल यूक्रेन से सकुशल घर लौट गए हैं। उनके आने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। राहुल हंगरी होते हुए भारत आए हैं। भारतीय दूतावास ने उन्हें जो सहयोग दिया है वो काबिले तारीफ था। उन्होंने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। छातीपुरा के सेवानिवृत्त कैप्टन ईश्वरदास के बेटे राहुल यूक्रेन के किरवोग्राद स्थित दोनेस्क यूनिवर्सिटी में MBBS के अंतिम वर्ष के छात्र थे। 24 को युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन से फ्लाइट बंद होने से पहले कमरे में रह रहे और उसके बाद 28 फरवरी को जब युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो वो वाया हंगरी होकर भारत आने की सोची। हंगरी सीमा तक पहुंचने के लिए उन्हें 21 घंटे का समय बस में लगा। उसके बाद ट्रेन से वह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट आए। वहां पर आकर उन्हें भारतीय दूतावास से संपर्क किया गया। इस दौरान भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी हंगरी में थे। सूचना मिलते ही राहुल को होटल में ठहराया गया और वहां से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से भारत सरकार की ओर से वोल्वो बस से चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ व बद्दी होते हुए अपने घर छातीपुरा पहुंचे। पिता ईश्वर दास व माता अनीता देवी ने बताया कि उनके बेटे यूक्रेन के जिस शहर में थे वहां पर युद्ध जैसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन बाहर निकलना मना था। कर्फ्यू होने की वजह से वह कमरे से तड़के निकले और बस से हंगरी की सीमा तक पहुंचे। लगातार संपर्क में होने से इतने घबराए हुए नहीं थे, लेकिन घर पहुंचने पर ही राहत की सांस ली। पढ़ाई अधर में छूटने से उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जिन बच्चों की आधी अधूरी पढ़ाई छूट गई है उन्हें भारत के कॉलेज में ही प्रवेश देकर पूरा करवाया जाए। जी, मेरा नाम राहुल है। मैं कुंझाल गांव छातीपुरा का रहने वाला हूँ। मैं अभी 5th ईयर में यूक्रेन में पढ़ रहा था, तो ये जो अटैक हुआ था ये 24 तारीख को की फरवरी को हुआ था। तो उस टाइम पे हमारा एरिया तो सेफ था, लेकिन पूरे कंट्री में कर्फ्यू हो गया था अटैक की वजह से। तो हम कुछ दिन तो अपने रूम में ही अंदर थे, लेकिन जब जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे थे तो फिर हमने प्लान किया कि अब जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि 4 बॉर्डर खुल गए थे। क्योंकि यूक्रेन में तो सब फ्लाइट्स बंद थी, लेकिन जब जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती गई तो 4 बॉर्डर खुल गए थे क्रॉसिंग के लिए। तो फिर इसलिए हमारे साथ 200 इंडियन और थे हमारे कॉलेज के। तो फिर हमने बस अपनी बसेस से हम वहाँ पे पहुँचे हंगरी बॉर्डर पॉइंट पे। फिर वहाँ से हमने ट्रेन से क्रॉस किया। फिर जब हम हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में पहुँचे तो तब हमने एम्बेसी के ऑफिशियल्स को फ़ोन किया। फिर वहाँ पे वॉलंटियर्स हमें आके ले गए, उन्होंने हमें रूम वगैरह प्रोवाइड करवाए और फिर उन्होंने ही एक दो दिन बाद हमें फ़्लाइट्स दिलवाई थी। फिर हम फ्लाइट से दिल्ली तक आए। फिर दिल्ली से भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें वोल्वो दिलवाई थी चंडीगढ़ तक। मुझे कि उन्होंने जैसे अभी हालत है तो उस हिसाब से तो यही बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन जैसे लास्ट ईयर आने वाला है तो मेडिकल स्टडी में ऑनलाइन से ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी स्टडी नहीं हो पाएगी ऑनलाइन में। तो हम इसलिए मैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब यही रिक्वेस्ट चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें कोई यहीं मौका दिया जाए अपनी कंट्री में स्टडी कंटिन्यू करने का, क्योंकि वैसे भी हमारा तो 1.5 ईयर ही रह चुका है और अभी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल स्टडी है तो वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएगी। और इस टाइम पे तो अगर वॉर रुक भी जाती है तो सिचुएशन ठीक नहीं है वहाँ पे, फिर भी काफ़ी टाइम तक ख़राब ही रहेगी कंट्री की। जी, उनका पूरा सहयोग था। वो जो भी हम यहाँ तक आए हैं तो उन्हीं के कॉन्टैक्ट के साथ आए हैं, क्योंकि जैसे हम बुडापेस्ट में पहुँचे थे तो हमने उन्हीं को कॉन्टैक्ट किया था कि हम, क्योंकि हमारा तो वहाँ पे और कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, वो अलग कंट्री थी। तो उन्होंने हमें रिसीव किया था और होटल भी उन्होंने भिजवाया और वहाँ से फ्लाइट में भी उन्होंने हमें लेके आए। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, क्या पता बिजी आई हो लाइन, क्योंकि हमने भी बहुत बार ट्राई किया था, कई बार लाइन्स बिजी आ रही थी। तो कमी तो कोई नहीं है जी, बाकी थोड़े बहुत ह्यूमर तो फैल ही जाते हैं। तो यही है कि उन्हें भी निकाला जाए, वो थोड़े ज़्यादा फंस गए हैं, वो अभी आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस साइड पर अटैक ज़्यादा चल रहा है। बाकी जो जैसे हमारी सेफ साइड थी तो हम आसानी से आ गए थे। यही अपील है उन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब कुछ ही बच्चे रह गए हैं जो ज़्यादा वॉर जोन है, बाकी सब आ गए हैं ऑलमोस्ट। मेरी केंद्र सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि जो बच्चे वहाँ कुछ अभी
रह गए हैं किसी कारणवश, वो उन बच्चों को जल्दी से जल्दी जो है किसी भी तरीके से अपने देश भारत में लाया जाए। दूसरा और रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जिन बच्चों का जो रिमेनिंग स्टडी है उस स्टडी के बारे में भारत सरकार जो है जरूर गौर करे, ताकि इनका जो भविष्य है वो उज्जवल रहे और अपनी बची हुई स्टडी को जो है रेगुलर करें। ये सरकार को देखना है कि अभी युद्ध की स्थिति की वजह से यूक्रेन तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, लेकिन हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी जो बाकी स्टडी है इंडिया के अंदर ही कराई जाए, वो बेहतर होगा। धन्यवाद। जब ये युद्ध वहाँ छिड़ गया था तो हमें चिंता तो हो गई थी, क्योंकि युद्ध में ये नहीं देखा जाता है कि ये बम्बार्डमेंट कहाँ हो रही है, इसके परिणाम जो है बहुत घातक होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये थी मेरे लिए कि मेरा बेटा मेरे कम्युनिकेशन में था, वो कॉन्टैक्ट में था, इससे रोज़ बात हो जाती थी, इससे हमें बहुत रिलीफ मिला था। जो बच्चे फंसे हैं उनके माता पिता से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो पेशेंस रखें, और जब इतने बच्चे वापस आए हैं वो बच्चे भी जरूर आएंगे, और हमें भरोसा करना चाहिए अपनी सरकार के ऊपर जो इतनी एक्सेलेंट प्लानिंग कर रही है, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए ही सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे बच्चे बीबीएन के हैं वो सभी सही सलामत हमारे घरों में पहुँच गए हैं। बावजूद उसके, क्योंकि युद्ध का जो माहौल होता है उससे बच के आना बड़ा मुश्किल सा होता है, तो देखा जाए तो भगवान की पूरी कृपा रही इनके ऊपर कि ये अपने सही सलामत अपने माता पिता से मिल गए हैं। जहाँ तक सरकार का, मेरी ख्याल से सरकार का जो है रोल बड़ा अच्छा रहा इनके लिए, कि सरकार ने इनको जो है वहाँ पे जाके यूक्रेन में अपने 4 केंद्रीय मंत्री भेजे, जिनमें के इस जो हमारा 36 बरे का लड़का है इनको भी हरदीप पुरी जी ने की देखरेख में ये हमारे पास यहाँ तक सही सलामत पहुँचे हैं। बाकी जितने भी बच्चे आए हैं वो जो है सरकार की अच्छी उसकी नियति से यही पहुँच पाए हैं। अब जो इनकी पढ़ाई का सिस्टम है, मेरी सरकार से यही अर्ज है कि इनको जो है जितनी की इनकी पढ़ाई बची हुई है उनको यही किसी विश्वविद्यालयों में इनको जो है वो पढ़ाई पूरी करवाई जाए, ताकि इनका फ्यूचर बना रहे। जिस उम्मीद से ये यूक्रेन गए थे इनको यहाँ पे भी उनकी पढ़ाई पूरी करवाने में हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है वो केंद्र की सरकार, उसको इनको पूरी करवाए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।